हेलो, आज हम 1200W के अंदर जो कार्ट्रिज की प्रॉब्लम होती है, प्रिंट आउट क्वालिटी का इशू होता है, उसके बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले एक बार फोटोकॉपी करते हैं। इसमें एक लाइन लाइन आ जाती है, ये फोटोकॉपी करी है हमने, ये फोटोकॉपी करी। इसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइनें आ जाती है यहाँ पर, ये देखेंगे। इस बुक की मैंने फोटोकॉपी करी तो ये लाइनें आ रही है, तो इसे कैसे रिमूव करेंगे हम, इसके बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहले हम इसको कार्ट्रिज निकालेंगे। और इस कार्ट्रिज को हम खोलेंगे। अब इस साइड के जो तीन स्क्रू है इसके पर्टिकुलर, वो खोलेंगे राइट और लेफ्ट की दोनों तरफ से। और इसकी कैप भी निकालेंगे दोनों तरफ से। इसको बिल्कुल इस पोजीशन पे रखना है, मेन इम्पोर्टेंट ये, नहीं तो इसमें से टोनर निकल जाएगा, ढुल जाएगा। इसलिए बिल्कुल खड़े रख के, दोनों तरफ से इसमें से निकलता है ये टोनर, ढुल जाता है, इसलिए खड़े रख के दोनों को अलग करना है। इसमें ये देखो जो लाइनें आ रही है, वो यहाँ पर्टिकुलर इस रोलर पे इंक नहीं आ रही है, पाउडर नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से इस तरह का प्रिंट आता है जो अभी हमने निकाला था ये। अब ये देखेंगे तो ये जो लाइनें हैं वो पर्टिकुलर इस पे आ रही है, देखो इस जगह पाउडर नहीं आ रहा है, तो जो ब्लैंक हो रहा है। अभी इसको कैसे साफ़ करेंगे अब बताते हैं। इसमें हम इसमें ये वाली ऊपर वाली ब्लेड वो रिमूव करेंगे, बहुत ही ध्यान से रख करनी है, ये स्टील की होती है, बेंड होने पे प्रिंट क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। बहुत ध्यान से निकालना है आपको इसको धीरे धीरे, कि ब्लेड बेंड नहीं हो। इस ब्लेड के ऊपर एक डॉट डॉट आ जाता है, ये देखेंगे आप, मैं दिखाता हूँ जूम करके एक बार। साफ कर देते हैं पहले। अब इस पे हाथ फेरेंगे तो एक डॉट डॉट नज़र आएगा, महसूस होगा हाथ फेरेंगे तो, एक उंगली ये दिख रहा है आपको, इतना क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी इसमें डॉट डॉट दिख रहा है, ये डॉट डॉट आ जाता है। इसकी वजह से ये टोनर इस उस रोलर पे नहीं आता है, उंगली फेरेंगे तो मालूम चल जाता है। तो इसे कपड़े की सहायता से, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े से इसको साफ़ करेंगे। और बहुत ही ध्यान से इसका प्रेशर नहीं करना है इस पर, प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो बैंड हो जाएगी स्टील की पत्ती ब्लेड। इसको धीरे धीरे हाथ से आहिस्ता से साफ़ करेंगे। साफ़ होने के बाद तो हम वापस से लगा देंगे, एक बार ज़रूर चेक कर लेना उंगली फेर कर कि इसमें डॉट डॉट तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है हाथ। अब ये इसको इस रोलर को घुमाएंगे तो इसमें से एक भी लाइन नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल परफेक्ट, सभी दूर बराबर टोनर आ रहा है, तो मतलब ये कंप्लीट ब्लेड साफ़ है। अब इसको हम वापस से उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से
खोला है। उसी तरह से अगर ये उल्टा कर दिया तो सारा पाउडर निकल जाएगा। इस पोजीशन पे ही रखना है आपको और ये दोनों पैक करना है। और ये पैक करने के बाद इसके साइड के फ्लैप जो होते हैं वो लगाएंगे हम। में राइट में 3 स्क्रू है और लेफ्ट में भी 3 स्क्रू, वो वापस से पैक कर देंगे। अब हम टेस्ट करेंगे इसको, कार्टेज इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसमें E7 एरर आ रहा, मतलब इसमें कार्ट्रिज अवेलेबल नहीं है। कार्ट्रिज लगाएंगे, पैक करेंगे और ये बंद करेंगे। हम वही बुक लेंगे जो पहले फोटोकॉपी करी थी, उसी से हम उसी के लिए फोटोकॉपी करेंगे। प्रिंट आ गया है, इसमें बिल्कुल क्लियर प्रिंट आ रहा है। इस तरह हम प्रिंट क्वालिटी इश्यू का रिजोल्व करेंगे हम। इस तरह से होता है ये। इसमें ये देखो, देखिए आप, पहले ये वाला प्रिंट आया था, फिर इसके बाद ये और ये बुक। ठीक है, ओके, बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।